सबसे पहला जो गेस्ट हाउस बना था वो बना था देवदयाल गेस्ट हाउस। रूम में जैसे ही एंटर होते हैं कुछ इस टाइप से रूम बने हुए हैं। रूम में वो सारी चीजें अवेलेबल हैं जिन चीजों की सभी को जरूरत रहती है। यहाँ से जैसे ही बाहर निकलो नज़ारे देखो बालकनी से, जब यहाँ पे विंटर सीजन रहता है ना तो उस टाइम ये सारे जितने भी जो सामने के पहाड़ हैं ये बर्फ से ढके रहते हैं। बाकी इस रूम में भी चार लोग आराम से सो सकते हैं। वॉशरूम देखो भाई कि डाइनिंग एरिया ये रहा है। डाइनिंग एरिया से बाहर निकलो बिल्कुल रोड के पास में है। जो कीट पतंग होते हैं वो जानवरों को ना परेशान करते हैं। अब मुझे तो खैर इंतजार है मानसून का। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं कहीं जो राजमा वगैरह है वो लगाने के लिए तो नहीं जा रहा हूँ। फिलहाल अपना मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है। करीब अभी सुबह के 7:50 हो रहे हैं और मैं भी उठ चुका हूँ, हाथ मुँह धो के बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ। अब मैं भी चलता हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। और बाकी मैं कल शाम को आ चुका था उछाड़ा गांव में और अभी थोड़ी देर बाद यहाँ से निकलता हूँ घर के लिए। यहाँ पे देखो एक पुराना सा घर है, काफ़ी मस्त लग रहा है। और इस घर में बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे जंगला वगैरह है, जो छोटी छोटी जो खिड़की दरवाजे वगैरह है वो है। और ऊपर इस साइड में ना ढपरा वगैरह भी पक्का ही होगा क्योंकि पुराने घरों में ये सारी चीज़ें रहती हैं। और बाकी इधर के साइड है गौशाला वगैरह, सारी गौशाला ना इधर के साइड है। बाकी कुछ ही देरी में धूप भी यहाँ पे पहुँच जाएगी। अभी एक्चुअल यहाँ पे धूप इसलिए नहीं आई क्योंकि ये जो पहाड़ी है ये काफ़ी बड़ी है, तो इस वजह से धूप यहाँ पे नहीं आई है। ये देखो गांधी जी के 3 मंदिर हैं, है ना। और यहाँ देखो जो बीन्स वगैरह है ना वो सारे लोगों ने लगा दी है और बीन्स की पौध भी निकल चुकी है। और बाकी नीचे ये रहा पूरा ताला मार्केट और सामने है उछाड़ा गांव। मेरा घर इस वाली जगह पे है, ये वाली जगह पे घर है मेरा। और जो मैं तराई वगैरह करने के लिए जाता हूँ ना वो इस जगह पे जाता हूँ। तो अभी मुझे यहाँ से निकलना है घर के लिए। अभी मैं जैसे ही उछाड़ा से निकला ना मैं अभी पहुंच चुका हूं जो देवरियाताल जो गेस्ट हाउस है वहां पे पहुंच चुका हूं। और रूम में जैसे ही एंटर होते हैं कुछ इस टाइप से रूम बने हुए हैं। और डबल बेड है और सोफा कम बेड है। जैसे छोटू है ना, अब किसी के साथ फैमिली आती है तो बच्चों के लिए सोने के लिए दिक्कतें होती हैं, तो इस टाइप से सोने के लिए ये बेड बना हुआ है, काफ़ी अच्छा बेड है। देवरियाताल गेस्ट हाउस सबसे पुराना जो गेस्ट हाउस है चोपता वैली का, सबसे पहला जो गेस्ट हाउस बना था वो बना था देवरियाताल गेस्ट हाउस। और यहाँ पे आप लोगों को 3 तरह की वैरायटी मिल जाएंगी। जो आपका हाई रेंज में है वो रूम्स भी हैं, और जो मिडिल है वो भी हैं, और जो लोएस्ट प्राइस में है वो भी हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे जैसे ही आप लोग यहाँ पे एंटर हो जाओगे ना तो आप लोगों के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, सारे रूम्स वगैरह आप लोगों को मिल जाएंगे। बाकी वॉशरूम देखो भाई, मतलब सारी चीज़ें एकदम से क्लीन हैं और गीजर वगैरह भी लगा हुआ है, काफ़ी अच्छी मतलब रूम्स वगैरह हैं। जो वॉशरूम वगैरह है काफ़ी अच्छा है। रूम में वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जिन चीज़ों की सभी को ज़रूरत रहती है। जैसे कोई इधर उधर से आता है, टीवी वगैरह की ज़रूरत है तो वाईफाई भी लगा हुआ है। और यहाँ से जैसे ही बाहर निकलो नज़ारे देखो बालकनी से, सामने बिल्कुल सुंदर से नज़ारे हैं। और जब यहाँ पे विंटर सीजन रहता है ना तो उस टाइम ये सारे जितने भी जो सामने के पहाड़ हैं ये बर्फ से ढके रहते हैं। इस रूम में भी चार लोग आराम से सो सकते हैं। कि इस रूम में सोफा कम बेड नहीं है क्योंकि यहाँ पे डबल बेड 2 लगे हुए हैं, तो इसलिए सोफा कम बेड नहीं है। और बाकी सारी चीजें अवेलेबल हैं।
हम लोग चलते हैं डाइनिंग एरिया में। बाकी डाइनिंग एरिया ये रहा है, यहाँ पे लगभग करीबन 25-30 लोग आराम से जो अपना लंच डिनर ब्रेकफास्ट है वो कर सकते हैं। बाकी डाइनिंग एरिया से बाहर निकलो, बिल्कुल रोड के पास में है। अभी हम लोग भी देवरा गेस्ट हाउस से ना घर के लिए निकल चुके हैं और बाकी अपने साथ छोटू है और साथ में अभी ना इतनी ज़्यादा धूप हो रही है ना, सूरज की जो किरणें है ना, जो सूरज है वो बिल्कुल सर के ऊपर से है और आजकल धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। गाय पे भी आ सकती, जेसीबी पे भी, बाइक पे भी, इसी चलाना है। रोड से मेरे घर पे ना ज़्यादा दूरी तो नहीं है, मुश्किल से 200-300 मीटर ही है, पर वहाँ से यहाँ घर पे आते आते ना इतनी हालत ख़राब हो गई क्योंकि आजकल धूप इतनी ज़्यादा है, धूप में चलना मुश्किल हो रहा है। अभी शाम के करीब 4 बज चुका है, अब मेरी तैयारी भी दिल में निकलने की हो गई है, अभी वहाँ पे तराई वगैरह करनी है। यहाँ देखो अभी ना पूरी धूप निकल चुकी है और अभी धूप नहीं है तो फिर काफ़ी राहत मिल रही है। छोटू भी जस्ट अभी सो के उठ ही रहा है, उठ गया, चल तू भी आ रहा है, चल फिर। बाकी अभी देखो यहाँ पे आग वगैरह जला रखी है, वो इसलिए जला रखी है क्योंकि जो कीट पतंग होते हैं वो जानवरों को ना परेशान करते हैं, तो इसलिए ये आग वगैरह जला रखी है और इससे वो दूर भाग जाते हैं धुएँ से, और उसमें गोबर के कुछ इस टाइप से ये बनाए रहते हैं, इनको डालते हैं और इन पर ना आग बहुत लेट तक टिकती है। और अभी ये सब्बल दे के आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं कहीं जो राजमा वगैरह है वो लगाने के लिए तो नहीं जा रहा हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारा सब्बल था ना वो था दिलमी में, जहाँ पे काम वगैरह लगा हुआ ना तो वहाँ पे था, आज इसको वापसी ले जा रहा हूँ क्योंकि उनको भी अभी राजमा वगैरह लगानी है। अब मुझे तो खैर इंतज़ार है मानसून का क्योंकि मुझे यहाँ पे ना ये वाटरफॉल अगेन देखना है और पता नहीं कब आएगा, और आजकल पहाड़ों में बारिश तो खैर कहीं कहीं कमी हो रही है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे कंक्रीट वगैरह तोड़ने के लिए या पानी वगैरह डालने के लिए यहाँ पे आया ना, एकदम से बारिश भी शुरू हो चुकी है। बाकी इस साइड से बारिश लगनी शुरू हो गई है और बाकी अभी इधर तराई चल रही है और मैं लगा हूँ अभी कंक्रीट वगैरह तोड़ने पे, तो अभी इस काम को जल्दी निपटाते हैं। और बारिश भी ना शुरू हो गई है पर लग ही नहीं रही ज़्यादा, बिल्कुल कम हो रही है, मतलब थोड़ा सा हो रही है और उसके बाद एकदम से बंद हो जा रही है। जो गंदे काम करता है ना उसको डालते हैं, वो इतना मारते हैं डंग से बच्चों को, भी इसके पास छोटा सा डंडा रहता है उससे मारते हो छक छक, भाई बच्चों को इतना बड़ा डंडा रहता है ना फाट मारते जो बहुत जोर से। ये लगभग 6:30 हो गया है और अब अपनी तैयारी हो चुकी है घर निकलने की और टाइम पे निकल जाते हैं, और बाकी तराई वगैरह भी कर दी और थोड़ा बहुत जो 1-1.5 कट्टे कंक्रीट वगैरह तोड़ने थे वो भी तोड़ दिए हैं, बाकी निकलते हैं घर के लिए। भाई वैसे ये वाला ना इतना ज़्यादा भारी नहीं है पर चढ़ाई पर चढ़ने में थोड़ा सा भी अगर पीठ पर कुछ ऐसा हो ना तो खैर काफ़ी दूरी तक ले जाओ तो वजन तो लगता ही है।